सभी मेरे भाइयों को जय हिंद और वंदे मातरम। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे, जो कह सकते हो ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्मी की जो बंदे तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बंदों को ये चीज़ जानना जरूरी होती है कि जो ये एक जो ऐसा है जो इंजेक्शन होता है, जिससे आप आराम से जो आर्मी में भर्ती हो सकते हो, आराम से जो रनिंग आप कंप्लीट कर सकते हो, चाहे आपका जो टाइमिंग कुछ भी आ रहा हो, 7 मिनट आता हो, 6 मिनट आता हो, एक इंजेक्शन लगाने से आप जो आराम से भर्ती हो सकते हो, रनिंग क्वालिफाई कर सकते हो। ये चीज़ डेका ड्यूरेशन बोला जाता है इस इंजेक्शन का, और ये कुछ ज़्यादा जो इसका प्राइस नहीं होता है, 300 रुपये के समथिंग मिल जाता है, ये 300-400 रुपये के आसपास में मिल जाता है। इसके जो ज़्यादातर यूज़ है जो आर्मी की भर्ती में यूज़ किया जाता है, बहुत से बंदे करते हैं। अब इसका जो मेन मतलब क्या है, इसका जो क्यों लगाते हैं बंदे, ये क्यों लगता है और इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये भी जानना जरूरी है आपको, क्योंकि बहुत से बंदे इसका यूज़ कर रहे हैं। लगातार मुझे कमेंट आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि जो डेका ड्यूरेशन ये जो इंजेक्शन है, इस अजमेर सेना भर्ती में या आने वाले सेना भर्ती में हम लगाएं या नहीं लगाएं, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जो अभी भी ये जो पैनिक कर रही है, पैनिक बता रही है कि जो ये चीज़ लगाना जरूरी है या नहीं, इन चीज़ को कन्फ्यूज़ करना, कन्फ्यूज़ हज़ारों बंदे हो रहे हैं। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद में क्या इफेक्ट होगी, वो चीज़ सब आपको जानना भी जरूरी है। पहले इसका मतलब क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, ये आपको बता देता हूँ। डेका ड्यूरेशन जो इंजेक्शन लगने के बाद आपको जो बॉडी में मसल पावर बढ़ जाएगा, यानी मसल इंक्रीज होना बढ़ जाएगा, आपके स्टेमिना है इंक्रीज हो जाएंगे। दूसरी और भी जो प्रोसेस होते हैं, जो लुब्रिकेशन होते हैं, लुब्रिकेशन जॉइंट होते हैं, ये सब चीज़ सॉल्व हो जाएगी आपकी। बहुत से बंदे होते हैं जिनके जो रनिंग करते वक्त जो जॉइंट में दिक्कत होती है, जो पैरों के जो जॉइंट में जो प्रॉब्लम हो जाती है, जो इनके दर्द होना स्टार्ट हो जाती है, इसके लगने के बाद आपको जो ऐसी चीज़ें नहीं आएगी आपके सामने, ये सब चीज़ सॉल्व हो जाएगी आराम से। आप जो रनिंग कर रहे हो, चाहे आप जो 800 मीटर तक आप रनिंग करते हो थक जाते हो, या जो आप 1-2 किलोमीटर तक भी रनिंग करते हो उसके बाद थक जाते हो, या 1600 मीटर रनिंग करते हो उसके बाद थक जाते हो, इसका लगने के बाद में आप या 2 या 3 गुना तक आप रनिंग कर पाओगे, इसका ये बेनिफिट होता है। अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं कि जो इंजेक्शन लगने के बाद क्या होता है। फर्स्ट चीज़, आर्मी में लगभग जितने भी जो मेडिकल होते हैं उनमें लगभग जो बंदे जो ऐसे यूज़ करते हैं उनको पकड़े जाते हैं, इनके साइड इफेक्ट हैं, आराम से ये पकड़े जाएंगे, जो बंदे जो इसमें यूज़ करते हैं इनका पकड़े जाएंगे, रियल बोल रहा हूँ। बहुत से बंदे जो ऐसे होते हैं और जो यूज़ करते हैं, इनका ड्यूरेशन बता देता हूँ, इनमें जो कितना टाइम होता है ये आपके अंदर रहेगा, 18 महीने। जब आपका इंजेक्शन लगता है, आज इंजेक्शन लगा इसके बाद 18 महीने तक वो रहेगा, जो इंजेक्शन का जो इफेक्ट है अंदर आपका रहेगा, और आप जब भी मेडिकल कराओगे तब आप पकड़े जाओगे। तो इसीलिए जो ऐसे जो चैंपियनशिप है जो भी आपकी होने वाली है उसमें आप पार्टिसिपेट ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि जो आप जब इंजेक्शन लग जाएगा आपका, तो ये जो आपके 18 महीने तक आप कोई भी जो ऐसे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, जहाँ पे मेडिकल होगा वहाँ पे आपको पकड़े जाओगे, ये साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे और वहाँ से आपको जो आउट कर देंगे। इसीलिए जो बोलता हूँ कि आप जो अपनी मेहनत पर ध्यान देना, जो भी बंदे स्पेशली इसका यूज़ करते हैं इसका यूज़ नहीं करें, इंडियन आर्मी की जो बंदे स्पेशली रनिंग कर रहे हैं उन बंदों को तो ये चीज़ यूज़ करनी नहीं चाहिए। यदि ऐसा एक 300 रुपये में यदि जो कोई इंजेक्शन लगा के भर्ती हो जाता, तो ये कोई जो अकेडमी नहीं होती, कोई संस्थाएं इतनी बड़ी बड़ी जो संस्थाएं जो वहाँ पे तैयारी नहीं कराती, हज़ारों बंदे जो रोडों पे रनिंग नहीं करते, ग्राउंड में रनिंग नहीं करते, आराम से सोते सोते इंजेक्शन लगा के चले जाते भर्ती में, ऐसा होता तो ऐसा कोई भी नहीं होता है। इसका साइड इफेक्ट अब बताता हूँ मैं आपको, जो आपके दिमाग हिल जाएगा एक बार। इंजेक्शन लगने के बाद देखो, ये जो इंजेक्शन होता है एक तो डॉक्टर की सलाह में लेना चाहिए, दूसरी चीज़ यदि आपको जो ले रहे हो तो इसके जो साइड इफेक्ट भी जानना जरूरी है। फर्स्ट चीज़, आपके जो इसकी सेक्स पावर, जो अपनी सेक्स पावर होती है, आदमी सेक्स करता है उसकी जो सेक्स पावर में बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाएगा, ठीक है। दूसरी, इसके बाद में भी साइड इफेक्ट बढ़ते रहेंगे, आपके कम नहीं होंगे। ज़्यादातर जो ये इसमें होते हैं, और बाकी जो एक जो अंदर जो ये बनती है ना रेड रक्त कणिकाएं होती है जो अलग, तो ये भी इंक्रीज होती है, इनसे जो इंक्रीज होने के कारण ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जो पावर बढ़ जाती है, और हो सकता है आपको जो अटैक की भी दिक्कतें आ जाती है। तो ऐसी चीज़ों को यूज मत करो, इसका साइड इफेक्ट बहुत है, आप जानने लगोगे तो बहुत से मिल जाएंगे आपको, ऐसी चीज़ों को मत यूज़ करा करो। जो भी आर्मी की भर्ती देख रहे हैं या जो भर्ती होने वाला है, ऐसी चीज़ों को ना यूज़ करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत से बंदे मुझे लगातार जो कमेंट कर रहे थे, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है। हाँ, एक टाइम आपको जो ऐसा रहेगा जो आपको जो सारी जो आपके दर्द हो रहा है, शरीर में जो भी पैनिक हो रहा है, सब सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बाद में आपको इसके इफेक्ट देखना स्टार्ट होंगे और इतने होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी चीज़ों को यूज़ ना करें, और यदि करना है तो आपको डॉक्टर की सलाह में लेना, ठीक है। सभी मेरे भाई को जय हिंद और वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी पर ध्यान दें।